हेलो एवरीवन। सो कंपनी है मारिको लिमिटेड, अभी मंथली चार्ट फ्रेम पर लगा हुआ है। एंड हम अगर स्टार्टिंग से देखें, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो कंपनी साफ दिख रही, कंपनी काफ़ी बुलिश है, ऑल टाइम बुलिश बोल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में, सॉरी। सो हम यहाँ पे देखें, इस बॉक्स में बता रहा हूँ, इस बॉक्स की अगर बात हम करें तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे शेकआउट टाइप का हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो कैंडल बनी है, इसके बाहर जो लॉन्ग कैंडल बनी है इस मंथ की, मई की, वो काफ़ी बुलिशनेस शो कर रही है विद वॉल्यूम। उसको हमें आज हमको पकड़ना है, तो हम इसको देखेंगे डेली पे क्या कर रहा है। अगर मैं डेली पे लगा के इसमें अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये तो हो गया अपना रेजिस्टेंस। एंड अगर सपोर्ट में लगाऊंगा तो कुछ यहाँ, यहाँ पे कहीं पे बनेगी, ठीक है। अब है क्या, ये तो बन गया अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन ब्रेकआउट। ब्रेकआउट भी खुला भी ऊपर ही है, देन ऊपर ही गया, बट ऊपर शेडो है। अब ये शेडो क्या है, सेलिंग का साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ना रेजिस्टेंस है एक, जो मैं दिखाता हूँ। देखो क्लियरली हम यहाँ से देखें पूरा इस तरीके से, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे काफ़ी बार रुकी है कंपनी इस वॉल्यूम पे, यहाँ इस पोर्शन में कैंडल काफ़ी स्टक हुई है। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर से, तो अगली रेजिस्टेंस दिख रही है यहाँ पे, यहाँ कहीं पे इसके आसपास ही समझ लो, यहीं पे कहीं पे। कुछ इस टाइप पर दिख रहा है। अब इसमें अगर चलें हम, इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं क्वार्टर प्रॉफिट की बात करूँ, 2030 के जो मार्च में आया है वो 305 करोड़ का है, दिसंबर 2022 का 333 करोड़ का है। यानी कि प्रॉफिट कंपनी के सही हैं। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के प्रॉफिट की, तो वहाँ कंपनी टोटली अप ट्रेंड में। वह 2021 का प्रॉफिट 1199 करोड़, 2022 का 1255 करोड़, 23 मार्च 2023 का 1322 करोड़। तो ये प्रॉफिट अप ट्रेंड में ही है। अगर बैलेंस शीट में चलाएं तो कंपनी के पास बर्निंग्स बहुत कम है, 608 करोड़ की है। रिजर्व फंड है 3670 करोड़ का। इन्वेस्टर्स में चलें तो इन्वेस्टर काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी प्रमोटर की होल्डिंग है 59.42, FIIs की होल्डिंग है 24.97, DIIs की है 9.99, गवर्नमेंट की है 0.10, पब्लिक की है 5.43, अदर्स की है 0.11। अदर्स में म्यूचुअल फंड आ सकते हैं, उसमें म्यूचुअल फंड ही आते हैं दरअसल नॉर्मली। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो वो है 68,670 करोड़, ठीक है। ROE ROCE है 43.7, ROE है 36.4। तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं इसके, स्ट्रॉन्ग है। तो मे भी पॉसिबल है कि ये ब्रेकर के ऊपर निकल जाए। सो बस आज के लिए इतना ही, डन फॉर टुडे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।